सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी गार्जियंस को और विद्यार्थियों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप सभी उत्तर प्रदेश के भाई बहनों ने और बच्चों ने इंटर का एग्जाम देते ही विजय एजुकेशन ऐप पर बहुत बड़ा भरोसा जताया और हजारों की संख्या में विजय एजुकेशन ऐप पर जुड़ करके बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन कोर्स परचेज किया। इस वजह से मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन ऐप यूपी के बच्चों के लिए अब भी बीएससी नर्सिंग की फीस को एक बार फिर 899 कर रहा है। बाकी इंस्टीट्यूट जो 5,000 रुपये तक आपके बीएससी नर्सिंग की ऑनलाइन फीस ले रहे हैं, एकमात्र आपका गांव देहात के बच्चों के लिए, छोटे शहरों के बच्चे बच्चों के लिए, मेरे यूपी बिहार के बच्चों के लिए, विशेषकर विजय एजुकेशन संस्थान पूरी तरह से समर्पित है। तो आखिर बीएससी नर्सिंग क्या है और उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा कब होगी और कैसे हम बिल्कुल निःशुल्क बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया आपको समझा रहा हूं। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर प्यारे बच्चों आपने 12th बायोलॉजी से किया है और आपके 12th में बच्चों 45% नंबर आ जाते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी मेरे 12th के बायोलॉजी के बच्चे हैं या आपके एडिशनल में बायो है तो भी आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अभी आपका 12th का रिजल्ट आया नहीं है तो रिजल्ट की अभी जरूरत नहीं है, अब मेरे दोस्तों केवल रोल नंबर की जरूरत है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना, 12th के रोल नंबर की जरूरत है। अब देखिए मेरे दोस्तों, तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, एक परीक्षा देनी पड़ती है और वो जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए परीक्षा होती है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं मेरे दोस्तों। उसका सिलेबस क्या रहता है, पाठ्यक्रम? तो बच्चों उसमें एक तो फिजिक्स आता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं। लगभग लगभग 85% से लेकर 90% तक मेरे दोस्तों ये तीनों सब्जेक्ट ही रहते हैं, ठीक है। बाकी 5 छोटे टॉपिक मेरे दोस्तों इंग्लिश और जीके के हैं जो कि आप एग्जाम के दिनों में लास्ट 10-15 दिन में पढ़ सकते हैं। तो मेन हमारा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है और इन्हें हमें अच्छी तरह से तैयार करना है। और मेरे दोस्तों यूपी के अंदर यूनिवर्सिटियों की झड़ी लगी है, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है बीएससी नर्सिंग करवाने के लिए, हर एक क्षेत्र में यूनिवर्सिटी है सरकारी। तो बच्चों आप अगर अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, केजीएमयू लखनऊ से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, सैफई यूनिवर्सिटी से भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं और एम्स संस्थान से भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। देखो हमारे यूपी में कितनी यूनिवर्सिटी है, 1, 2, 3, 4, 5। यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5-5 मेरे दोस्तों सरकारी संस्थाएं हैं जो बीएससी नर्सिंग करवाती है और प्रत्येक संस्थान के अंदर सैकड़ों में सीटें हैं मेरे दोस्तों। कुल मिलाकर के हजारों विद्यार्थी प्रतिवर्ष मेरे दोस्तों निःशुल्क या केवल और केवल सालाना 10-15 हजार रुपये की फीस में बीएससी नर्सिंग करते हैं। हम अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो एक साल का 1 लाख से ज़्यादा खर्चा आता है और अगर आप ये एग्जाम देकर के करते हो तो एक साल के अंदर बच्चों केवल 10-15 हजार रुपये आपकी फीस लगेगी, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और वो फीस भी एससी, एसटी और भी ईडब्ल्यूएस अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में वापस भी मिल जाती है। बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके मई लास्ट तक फॉर्म आ जाएंगे, यानी 15-20 दिनों में कभी भी फॉर्म निकल सकते हैं। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी के केजीएमयू के फॉर्म निकलेंगे मैं आपको सूचना दे दूंगा। आपको तो फिलहाल केवल विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर ऑनलाइन कोर्स लेकर के बीएससी नर्सिंग की तैयारी शुरू कर देनी है। मेरे दोस्तों हमारी टीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करवा रही है। आप तुरंत प्ले स्टोर पर विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने की लिंक मैंने नीचे दे दी है और मेरे दोस्तों आप उसके ऊपर 899 रुपये में बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिल रहा है, उस कोर्स को परचेज कर लें। कोर्स को कैसे खरीदें सर?
तो जब आप ऐप में अपने नंबर डालोगे तो वहां आपको बीएससी नर्सिंग का लाल कलर का पोस्टर दिखेगा मेरे दोस्तों, और उसमें लिखा हुआ होगा न्यू कोर्स, ठीक है, और साथ में 899 रुपये, और उसमें लिखा हुआ होगा KGMU अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी BCEC बिहार, इस प्रकार से वहाँ एम्स, ये सारी जानकारी आपको लिखी हुई दिखेगी। और वो कोर्स आपका है, यह कोर्स सर शुरू कब हुआ है, यह कोर्स शुरू हुआ है 2 दिन पहले मेरे दोस्तों, तो केवल 2 दिन हुए हैं, अभी आपका पीछे कुछ छूटा नहीं है, ये बिल्कुल न्यू कोर्स लॉन्च किया है हमने 2 दिन पहले, तो आज ही आप इस कोर्स से जुड़ करके अपनी तैयारी करें। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये UPBR के बच्चों के लिए नंबर है, ठीक है ना, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, या आपके फोन में फोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, तो आप इस नंबर के ऊपर फोन पे करवा सकते हैं, या इस नंबर पे फोन पे करवा सकते हैं और फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इधर से आपका ऐप तुरंत चालू कर दूंगा, ठीक है। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर इसके एग्जाम कब होंगे, कितने महीने बाद बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगस्त महीने में या सितंबर मंथ में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लगता है, तो वो सारी सूचना मैं आपको देता रहूंगा। लगभग आपके पास में मेरे दोस्तों अब भी 4 से 4.5 महीने का टाइम पढ़ने के लिए है, आपका इंटर का एग्जाम हो चुका है बच्चों, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे यूपी और बिहार से हर एक गांव और ढाणी से, हर एक छोटे छोटे कस्बे से, देहात से बच्चे अब बाहर निकलें। मुझे पता है मेरे दोस्तों, आप एक गरीब परिवार से आते हैं, मुझे पता है हम किसान परिवार से आते हैं, मुझे पता है मेरे दोस्तों हम देहात से आते हैं, इसलिए मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप बच्चों पढ़ना शुरू करें। आपका सपना होना चाहिए मेडिकल लाइन के अंदर बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स करने का, MBBS के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोर्स है बच्चों, आप एक बार इसकी तैयारी करो, जरूर नंबर आएगा मेरे दोस्तों। एक नहीं तो दो दो फॉर्म भरो, अटल बिहारी के साथ KGMU का भर सकते हो, इसके साथ सेफई का भर सकते हो, और मेरे दोस्तों और मैं बात बताना चाहता हूं, एम्स का फॉर्म केवल लड़कियां भर सकती है, और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म भर सकती है। सर फॉर्म कौन भर सकता है, हिंदी मीडियम का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, CBSE वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, और अपने यूपी बोर्ड का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। क्या यूपी के बच्चे दूसरे राज्यों के फॉर्म भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं, यूपी वाले राजस्थान का भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्तों इनमें से एक BHU ऐसा यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों, इसमें अगर आपको दाखिला लेना है BHU में, तो आपका नीट का फॉर्म लगाना पड़ेगा। BHU में अगर आपको दाखिला लेना है तो आपको नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा, बाकी सभी यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग फॉर्म निकलेगा। अगले 15-20 दिनों के बाद इनके फॉर्म निकलने शुरू हो जाएंगे, और उनकी सूचना मैं आपको देता रहूंगा इसी चैनल पर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मेरे दोस्तों, ठीक है। और तैयारी किस प्रकार करनी है वो पूरी मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरे से एक बार जुड़िए बच्चों, मेरे ऊपर भरोसा करिए। यूपी के बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी जुड़े हुए हैं और विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप भी जुड़ करके अपनी बेहतरीन तैयारी करें, ठीक है ना। और मैंने जो ये कोर्स लॉन्च किया है अभी, ये कोर्स इन सभी यूनिवर्सिटी में काम आ जाएगा, ठीक है ना, एक कंप्लीट कोर्स है मेरे दोस्तों, ठीक है। और आपको कोई भी जानकारी लेनी है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये 2 हेल्पलाइन नंबर है मेरे दोस्तों, आप इन पे आराम से कॉल करें, आप इन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं इन नंबरों के ऊपर, ठीक है ना, इनके ऊपर ऑनलाइन गूगल पे फोन पे करवा करके भी अपना कोर्स चालू करवा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं सभी मेरे गांव ढाणियों से निकलने वाले, देहात और छोटे शहरों से निकलने वाले बच्चों से कहना चाहता हूं, एक बार आप तैयारी जरूर करें बच्चों, आप फालतू में प्राइवेट कॉलेजों में पैसा बर्बाद मत करो, ठीक है ना, आप अपने मम्मी पापा के ऊपर फालतू में कर्ज मत लगाओ मेरे दोस्तों। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं जो लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों। आप
के अंदर योग्यता होनी चाहिए, आप खुद सेलेक्ट होकर दिखाइएगा। आप अपने मम्मी पापा को विवश मत करो लोन लेने के लिए, आप अपने मम्मी पापा के सामने उदाहरण बनो कि आपको उन आपके मम्मी पापा ने 12 वर्षों तक आपको इंटर करवाया है। आज मेरे दोस्तों आपके सामने मौका है खुद को साबित करने का, आप 4 महीने जम के मेहनत करो, आपका सिलेक्शन होगा। बच्चों मैं ये नहीं कहता कि आप इस विजय एजुकेशन से जुड़ो, मैं ये कहता हूं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो घर पे बैठ करके एनसीईआरटी की बुकें पढ़ो, 11th की पढ़ो, 12th की पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो मेरे दोस्तों। कोई गाइडेंस चाहिए मेरे को कॉल करो, मैं आपको गाइडेंस दूंगा। बच्चों खुद को कमजोर मत मानो, आप ये मत सोचो कि ये तो अमीर परिवार के बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं, ये बड़े रईस परिवार के बच्चे कोर्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों हम भी इसमें दाखिला ले सकते हैं, एक किसान परिवार से निकलने वाला बच्चा भी ये पढ़ाई कर सकता है। एक बार आप मेरे दोस्तों ठान के देखो, एक बार आप कोशिश करके देखो, जरूर आपका सिलेक्शन होगा मेरे दोस्तों, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। मैं यही कहना चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।